लाइफ में कुछ कर गुजरने के लिए, बड़ा बनने के लिए जज्बे के साथ साथ अक्सर ऐसी चीज की जरूरत होती है जैसे पैसा, कॉन्टैक्ट्स या फिर किसी अपने का अनकंडीशनल सपोर्ट, जो हमारे स्ट्रगल्स में, हमारे ख्वाबों की अनसर्टेनिटी से हमें डरने ना दे। तारा वेद की वो सपोर्ट सिस्टम या कहो वो सोलमेट थी। जी हाँ, तारा तमाशा मूवी में वो हमारे हीरो वेद की गैओटिक लाइफ की गाइड थी, जो उसके सेल्फ डिस्कवरी जर्नी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तारा अपनी वो हीर है जो सैड भी है, खुल के हंसती भी है, मुस्कुराती भी है, बट एट द सेम टाइम जिंदगी की सच्चाई से वो बाखूबी वाकिफ है। तमाशा मूवी बड़े पर्दे पर एक और तमाशा नहीं है जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं, प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें हो रही होती है। नहीं, ये एक मिरर है हमारे स्ट्रगल्स का सोसाइटी के साथ, खुद के साथ, अपने इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलने का, खुद को ढूंढने का। इट वॉज बिकॉज ऑफ तारा वेद अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलता है, सोसाइटल नॉर्म्स और अपने फियर को फेस कर पाता और उसे रियल सेल्फ से पता चलता है कि उसे ही अपनी कहानी का अंत खुद लिखना है। तारा को अपनी जिंदगी में क्लैरिटी थी इन व्हाट शी वांट्स इन लाइफ। शी हैड दैट करेज टू टेक अ स्टैंड इन वंस चॉइसेस। अब देखिए ना, इस लड़की ने अपनी रिलेशनशिप ही दांव पे लगा दी थी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन वेद। आखिर में वेद और तारा की कहानी हमें एक सवाल पे छोड़ देती है, क्या हम अपनी कहानी जी रहे हैं या फिर मैं सिर्फ एक रोबोट हूं जो रेस में भाग रहा हूं। क्या हुआ, एंडिंग अच्छी नहीं लगी? कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, चेंज कर देंगे।